प्रदेश के मुरादाबाद में बिलारी कोतवाल क्षेत्र के तेवर खास गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात 2 बजे शाहरुख को गांव के ही 5 युवकों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोप है कि शाहरुख की हत्या करने वाले 5 युवक शाहरुख के घर के पास ही रहते थे और अपनी बहन के साथ शाहरुख द्वारा बातचीत करने से नाराज थे। इसी बात की रंजिश लेकर 5 युवकों ने शाहरुख की रात 2 बजे घर में घुसकर उस वक्त हत्या कर दी जब शाहरुख घर में सो रहा था। वही गाँव में चर्चा है कि शाहरुख का हत्या के आरोपियों की बहन से प्रेम प्रसंग था जिसके चलते युवती के भाई नाराज थे और लोक लाज व छोटी शान के चलते शाहरुख की हत्या की गई है। हत्या की सूचना पर बिलारी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शाहरुख के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भेज दिया। शाहरुख के पिता ने जब शव सुनकर हमलावरों से अपने बेटे को बचाव किया तो हमलावरों ने उन पर भी हमला किया जिस पर वो भी घायल हो गए। पुलिस ने मृतक शाहरुख के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर हत्या आरोपी नदीम वसीम सलीम हुसैन गुल मोहम्मद व मोहम्मद शान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब जांच कर हत्या का सही कारण पता कर रही है। घर में घुसकर 18 साल के शाहरुख की हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। किसी आप पहचान लिए मैंने? कौन कौन? जो 5 आदमी की पहचानी है मैंने। अच्छा। रात किस समय घटना आई? एक डेढ़ बजे की घटना। पुलिस को सूचना दे दी? फौरन दी। हाँ। किस समय पुलिस पहुंची? करीब 2 बजे पहुंची पुलिस। अच्छा, फिर क्या देखा आपने? आपने तो मारता हुआ देखा हमने उसे, मार के जा मारता हुआ देखा उन्हें। अब डेड बॉडी कहाँ है? पोस्टमार्टम पे। नाम दर्ज तहरीर दिया आपने? नाम दर्ज दिया। एक चाकू मेरे मारा है। कितने लोग थे? 5 लोग हैं। आपने पहचान लिए? बिल्कुल पहचान लिए। ये ग्राम तेवर खास में शाहरुख खान सनाफ इंतजार हुसैन उसकी हत्या की गई है। उसमें नामजद है 4-5 लोग। इसमें कुछ प्रेम संबंध जैसा मामला सामने आया है। इसमें 2 लोगों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द शेष बचे हुए जो भी आरोपी हैं पकड़ लिए जाएंगे। इसमें घायल की कुछ है क्या? नहीं, घायल कोई नहीं है। उनके पिताजी को हल्की सी बिल्कुल एक खरोच सी दिख रही है, तो वही उसके तस्वीर गवाह है उसके पिताजी इंतजार हुसैन।